Good afternoon, everyone. So hopefully you guys are ready for the class. तो कल हमने फोबिया से रिलेटेड वर्ड्स किए, उसके बाद हम लोगों ने मेनिया से रिलेटेड वर्ड्स किए, राइट? फिर उसके बाद हम लोगों ने साइड से रिलेटेड वर्ड्स किए. अब हमारा फोर्थ पॉइंट जो शुरू होगा वो शुरू होगा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में हम देखेंगे कि कैसे क्रेसी से रिलेटेड वर्ड्स हैं. सिर्फ क्रेसी नहीं, इसके अलावा और भी हो सकता है, बता देता हूं मैं साथ साथ आपको, ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में. सो आई बिलीव कि आप सभी लोग पूरी तरह से सेट हो चुके होंगे अपनी क्लास के लिए. हेलो गाइस, हेलो आयुष एंड गुंजन, रेवती, निखिल, तोमर, एवरीबडी सेइंग गुड आफ्टरनून, गुड, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. सो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट ऑफ योर्स, आई जस्ट वांट कि हम लोग फटाफट से अपने वर्ड्स की ओर चले. तो चलिए देखिए, पहला वर्ड है हमारे पास नियो क्रेसी. देखिए बड़ा सिंपल सा तरीका, नियो मींस नया, नया. एक ऐसी गवर्नमेंट जो नई है, जिनके पास पहले से सरकार चलाने का अनुभव नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में मिस्टर केजरीवाल आया, राइट? तो मिस्टर केजरीवाल ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि इतना बड़ा रिस्पॉन्स, इतनी ज्यादा मात्रा में या इतने नंबर ऑफ सीट्स उन्हें मिलेंगी. रीजन, यानी कि जनता ने उन्हें प्रेफर किया. अब बात आती है कि क्या मिस्टर केजरीवाल के पास पहले सरकार चलाने का अनुभव था? नहीं था, पहले उन्होंने कोई सरकार नहीं चलाई. तो अगर कोई ऐसा ग्रुप जिसने पहले कभी सरकार ना चला रखी हो वो सरकार चलाए, तो समझ जाइए वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट बाय इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार. नियोक्रेसी का एक्चुअल अर्थ क्या निकला, अनुभवहीन लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार. हेलो एवरीवन, सो होपफुली आपको पहला वर्ड आज का क्लियर हो गया होगा, नियोक्रेसी. बोलिए कोई डाउट प्लीज. हैप्पी पनवर जी कह रहे हैं हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, बिग हेलो भाई, बिग हेलो जी, वेरी बिग हेलो. मैं कमेंट सेक्शन की तरफ ज्यादा आता नहीं हूं, क्योंकि मेरे को यह लगता है कि मैं बच्चों से इधर उधर की वो कहानी ना करके सिंपल अगर फोकस किया जाए, ठीक है, क्लास के ऊपर, तो वो ज्यादा अच्छा है. सर कल 4 से 5 वाली क्लास बिल्कुल हुई थी बेटा करण, ये हो सकता है कि वो क्लास, हो सकता है कि वो दिस यूट्यूब चैनल पे ना हो, वो ऐप पे हो सकती है. उसके लिए आपको सर से बात करनी होगी, ठीक है? तो आप सर से बात कर लीजिएगा. माई जॉब इज टू टीच, वो मुझे कहते हैं पढ़ाने के लिए, मैं आ जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ. कौन सी क्लास कहाँ पर चलेगी ये डिसीजन उनके हाथ में है, प्लीज, ठीक है? तो चलिए, नेक्स्ट वन इज अरिस्टोक्रेसी. अरिस्टो ये वो लोग होते हैं जो नोबल कहलाते हैं, कुलीन वर्ग से संबंध रखने वाले. कुलीन वर्ग के लोगों के द्वारा अगर शासन संभाल लिया जाए, अगर वो सरकार चलाना शुरू कर दें, तो नोबल लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार, कुलीन वर्ग के लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार को अरिस्टोक्रेसी कहते हैं. बोलिए सबको क्लियर. ऑल राइट, आप मेरी ऑफलाइन क्लास भी ले चुके हैं, थैंक यू बडी, थैंक यू. एंड योर नेम इज मिथाइल, ओके, ऑल राइट बडी. चलिए नेक्स्ट करते हैं, नंबर 3 पे है हमारे पास कैकिस्टोक्रेसी. अब ये देखिए, कैकिस्टो का मीनिंग होता है बैड, गंदा, जो बुरे लोग हैं, क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, ठीक है? ऐसे लोग ग्रुप बना के शासन के ऊपर कब्जा कर ले कि सरकार हम चलाएंगे. तो समझ जाइए अगर विकेड लोगों के द्वारा सरकार चलाई जा रही है, तो ऐसी सरकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैकिस्टोक्रेसी. जी जी, आपने कहा नोबल कौन है बेटा रहमान, नोबल वो लोग होते हैं जो उच्च वर्ग से संबंध रखते हैं, उच्च वर्ग से, कुलीन वर्ग से, ठीक है? जो राजा महाराजा पुराने जमाने के होते थे, उनके जिसे कह सकते हैं रिश्तेदार, भाई बंधु, या बड़े ओहदे पर विराजमान जो लोग होते हैं, ठीक है? एनीवे, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4. नंबर 4 पे हम कर रहे हैं ऑक्लोक्रेसी. अब आपने कल वर्ड किया था ऑक्लोफोबिया, आपको शायद याद हो, मैंने आपको ऑक्लोफोबिया करवाया था. यहां पर भीड़ के द्वारा डर लग रहा था, भीड़ से डर लग रहा था.
अब यहां पर ओकलो का मीनिंग क्या है? वही भीड़, वही क्राउड, लेकिन अब सरकार चलाई जा रही है। भीड़ जो है वो तय कर लेती है कि इस देश में शासन हम खुद चलाएंगे। तो जो भीड़ उमड़ कर आती है वो रूल सेट करती है कि देश का शासन किस तरह से होना चाहिए। अगर वो शासन चलाना शुरू कर दें तो गवर्नमेंट बाय मॉब, ठीक है, उग्र भीड़ के द्वारा चलाया गया शासन ऑक्लोक्रेसी कहलाता है। जी रेवती कह रहे हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है? आप सभी ने पढ़ी होती है डेफिनेशन, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है, ऑफ द पीपल, जो सरकार जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के हित में चलाई जाती है, ठीक है। पर ये भीड़ है, उग्र भीड़। कैसी भीड़? जो उपद्रव करती है उसको कहते हैं। नेक्स्ट वन, नंबर फाइव प्लीज। नंबर पांच पे हमारे पास है थियोक्रेसी। अगर आप देखें थियो का रिलेशन किससे होता है? थियो का रिलेशन होता है धर्म से, ठीक है, धर्म से। तो जो सरकार धर्म के अनुसार चलती है, जैसे कि मिडल ईस्ट कंट्रीज में आप देखते हैं, ठीक है, जो वहां की सरकारें हैं वो धर्म को माइंड में रखते हुए उसके अनुरूप चलते हैं, उनके रूल रेगुलेशंस वगैरह। तो जो रिलीजन के अनुसार चलाई जाए सरकार, धर्म के अनुसार सरकार चलाई जाए, तो गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, धर्म के नियमों के अनुसार चलाई गई सरकार थियोक्रेसी कहलाती है। इज इट क्लियर गाइस? जी मेरा क्यूट रवि, मेरा कमेंट ओके। अब मतलब ये कमेंट्स पढ़ने भी जरूरी होते हैं, मतलब आपका नाम जरूरी है लेना। तो आप सभी का स्वागत है, जितने बच्चे इस समय हैं दे आर द बेस्ट, ऑलराइट, आप सभी को सैल्यूट मेरी तरफ से। फोकस कीजिएगा क्लास के लिए। जी तो अब आपने देखा थियोक्रेसी, ऑलराइट। थियोक्रेसी के बाद हमारे पास है ज़ीनोक्रेसी। कल हमने किया था ज़ीनोफोबिया। ज़ीनोफोबिया में डर किससे लगा था? फॉरनर से, विदेशियों से, विदेशी वस्तुओं से। तो यहां ज़ीनोक्रेसी है। तो अगर सरकार किसके द्वारा चलाई जाए? फॉरनर्स के द्वारा चलाई जाए तो ऐसी सरकार को ज़ीनोक्रेसी कहते हैं। जी रवि जी, डाउट है क्वेश्चन टैग में। कल आप, लगता है कल आपने क्लास नहीं ली रवि। कल मैंने क्लास में बोल दिया था कि मैं 2 घंटे का आने वाले वीक में 2 घंटे का डाउट सेशन लेने वाला हूं, आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, राइट? तो डोंट वरी, एक एक सेंटेंस को दोबारा करवा दूंगा, चिंता मत करो, ओके। जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको सारे के सारे करवा दूंगा एक बार, फिर आप किसी भी बुक में से प्रैक्टिस कर लेना, ओके। अब यहां तक ज़ीनोक्रेसी हो गया, तो मैं फिर रिपीट करूं, ज़ीनो के अंदर विदेशियों के द्वारा सरकार चलाई जाती है, क्योंकि बच्चे गलती कहां कर जाते हैं? इसमें, एल्बोक्रेसी में। इसको और ज़ीनोक्रेसी को वो गलत कर देते हैं मिलकर, समझिए। पहले एल्बोक्रेसी में सरकार किसके द्वारा चलाई जा रही है? व्हाइट पीपल के द्वारा, गोरे लोगों के द्वारा। अब बच्चा कहता है सर एल्बोक्रेसी में भी तो फॉरनर है, तो आपको ये ध्यान देना होगा, आशीष चौधरी वेरी सॉरी बेटा कि अगर आपके कोई डाउट्स या मैंने आपका कमेंट कल नहीं देखा ग्रामर की क्लास में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन मैं आपका डाउट सेशन रख रहा हूं 2 घंटे का, तो उसमें आप अपने पॉइंट्स को रखिएगा। आज भी वो चीजें रिपीट होंगी अभी 4 बजे वाली क्लास में, फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो भी क्वेश्चन होगा आशीष मैं देख लूंगा। चलिए अब समझिए एल्बोक्रेसी में क्या हो रहा है। एल्बोक्रेसी में व्हाइट लोग शासन कर रहे हैं और ज़ीनोक्रेसी में फॉरनर्स। फर्क है दोनों में भाई। मान लीजिए जिसका दिल करता था भारत में आ जाता था, शासन कर लेता था पुराने जमाने में, ठीक है ना, जो भी उठा, मुगलों का दिल किया मुगल आ गए, अंग्रेजों का दिल किया अंग्रेज आ गए। तो इसी तरह से मान लो उस जमाने में नाइजीरिया के लोग कहते इंडिया में चल के शासन करते हैं, काले लोग आ जाते हैं, तो वो क्या है? फॉरनर्स होते ना, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है व्हाइट लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार क्या कहलाएगी? एल्बोक्रेसी। और फॉरनर्स के द्वारा चलाई गई सरकार क्या कहलाएगी? ज़ीनोक्रेसी। बोलिए कोई डाउट?
Xenocrase is clear, Albocrase is clear. All right, चलिए करते हैं नंबर एट. नंबर एट में है हमारे पास पहला ऐसा वर्ड आया जो क्रेसी से ना होकर की वर्ड पे है, होपलार की. की वर्ड जो होते हैं ध्यान रखिएगा, ये भी सरकार ही होती है. ठीक है, विभोर सिंह सर आपका पढ़ाया हुआ समझ आ जाता है. थैंक यू बड़ी, थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस. अब सभी बच्चे ध्यान दें कि यहां पर मैंने क्रेसी वर्ड यूज नहीं किया. अभी तक 7 वर्ड्स में क्रेसी वर्ड आया, अब बाकी के 3 वर्ड्स में 10 तक, 8, 9 और 10 में मैंने की वर्ड को लिया. जैसे होपलार्की, क्रिटाकी, मोनार्की, फिर दोबारा बोल रहा हूं, होपलार्की, उसके बाद है मोनार्की, क्रिटार्की. तो की वर्ड भी शासन से ही रिलेटेड होगा. तो प्लीज समझिए, होपलार्की के अंदर सरकार किसके द्वारा चलाई जाती है? मिलिट्री के द्वारा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा अक्सर पाकिस्तान में ऐसा ही होता है कि वो लोग वहां की जो सरकार है, वहां की मिलिट्री जो है, वो ही देश का शासन चलाती है. तो ऐसी शासन प्रणाली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होपलार्की. बोलिए, आपको वर्ड क्लियर हुआ? ये थोड़े से टफ वर्ड है क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के वर्ड्स आपको नजर आएंगे, तो पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए. उसके बाद है क्रिटाकी. क्रिटाकी के अंदर क्या होता है? सरकार कौन चलाता है? जजेस. जब जजेस ये तय कर ले, मनी सिंह कह रहे हैं अंबानी अडानी वाली सरकार को क्या कहेंगे? ओके बेटा, उसे कहते हैं PLUTOCRACY, प्लूटोक्रेसी. जो आपने कहा अंबानी अडानी, तो यानी मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं. तो ठीक है, अमीरों के द्वारा, रिच लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार, यानी हम ही देश को संभालेंगे, हम ही देश को चलाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी. ठीक है, वो इस लिस्ट में नहीं है. यानी मैं पहले क्या लेकर चल रहा हूं? जो हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने की उम्मीद है, मैं उन वर्ड्स को ले रहा हूं. एक मेरा नेचर है बेटा कि मैं अननेसेसरली इधर उधर के वर्ड्स नहीं करवाना चाहता, अननेसेसरली मैं बातें करके टाइम पास नहीं करना चाहता. मेरे को लगता है कि मैं आऊं और सीधा आपको वर्ड्स से रिलेटेड, या ग्रामर की क्लास है तो ग्रामर सिखाना शुरू करूं, ताकि आपको लगे कि यस, हम 1 घंटे की अगर क्लास ले रहे हैं, 50 मिनट की क्लास ले रहे हैं, तो यू आर गेटिंग एवरीथिंग इन अ नटशेल बट इन अ क्लियर मैनर. तो एनीवे, अब देखते हैं यहां पर क्रिटार्की में जजेस ने डिसीजन ले लिया कि नहीं, इस देश की सरकार नहीं चल रही है. जैसे आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया, किसान बिल को लेकर बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो आज अनाउंस हो गया, ठीक है ना, कि जी अभी 3 कानून के ऊपर रोक लगा दी जाए. पहले बैठेंगे, बातचीत करेंगे, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, वो बाद की बातें, फिलहाल. तो ये डिसीजन किसने ले लिया? सरकार से भी ऊपर उठ के जजेस ने डिसीजन ले लिया. ओके, सो यू आर ग्रेट सर इन द वर्ल्ड. ओ भाई नहीं, ऐसा नहीं लिखना प्लीज, मैं कुछ नहीं हूं. आप लोग महान हो, आप लोग अच्छे हो, और आप नहीं आगे देश को चलाना है. ठीक है, पीपल लाइक मी विल कम एंड गो. ठीक है, टीचर्स की कोई बात नहीं होती, जो है आप ही फ्यूचर हो इंडिया का. और आप बिंदास करते जाओ, बढ़िया सा काम करते जाओ, और अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, कोई तनाव में मत रहना. कम, यहां पर देखा आपने मोनार्की, तो किसके द्वारा चलाई गई सरकार? राजा के द्वारा. जरूरी नहीं राजा हो, रानी भी हो सकती है यार, ठीक है ना. राजा या रानी के द्वारा चलाई गई सरकार को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मोनार्की. ठीक है, तो प्लीज आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा. सर आपसे कोई बच्चा कह रहा है अनब्लॉक करवा दो. आशीष पता नहीं, हो सकता है आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई, ऐप से अनब्लॉक करवा दो प्लीज. अच्छा अच्छा ऐप से होगा, कोई कुछ चक्कर होगा, जो भी होगा किसी बच्चे का. एनीवे, मैं आई कांट रीड ऑल द कमेंट्स, हैव नो टाइम फॉर एवरीथिंग. तो अब शुरू करते हैं सफिक्स्ड विद वोरस. ये टफ होंगे बेटा, अब इसको मजा ले लेके करोगे तो इजी, नहीं तो मुश्किल. यहां पर वर्ड है वोरस, खाने वाला, फेगस खाने वाला, दोनों ही खाने वाले हैं. अगर आपको वोरस नजर आ रहा है तो समझ जाइए कि वोरस या फेगस क्या है, खाने वाले. क्या खाने वाले, ये आपको पहले देखना पड़ेगा. ये वर्ड है हमारे पास सैपी.
सेपी का मतलब होता है, इसका रिलेशन होता है अनियन से, प्याज से। प्याज खाने वाले क्या कहलाएंगे? सेपिवोरस। आई होप आपको पहला वर्ड क्लियर हो गया, खाने वाले। ओके, अब दूसरा वर्ड दिया मैंने एंथ्रोफेगस। एंथ्रो वर्ड होता है ह्यूमन के लिए, मानव के लिए, अर्थात जो लोग मानव को खा जाएं, मानव का मीट खा जाएं, ठीक है, दैट ईट्स ह्यूमन फ्लैश, मानव का मीट खाने वाला क्या कहलाएगा? प्लीज ध्यान दीजिएगा, एंथ्रोफेगस। एंथ्रो तो एंथ्रो का रिलेशन होता है ह्यूमन बींग से, तो मानव का जो फ्लैश खा जाए, ठीक है, खाने वाला फेगस है या वोरस है, उसे हम कहते हैं एंथ्रोफेगस। ओके, नेक्स्ट देखिएगा प्लीज, नंबर थ्री, कार्पोफेगस। अब ये मत समझ लेना कि कार को खा जाए, ठीक है, कार्पोफेगस। कार्पोफेगस, कार्पो का मतलब होता है, इसका रिलेशन होता है सीधा सीधा फ्रूट के साथ, फल के साथ, डेट ईट्स फ्रूट। फ्रूट खाने वाले को, ठीक है, फल खाने वाले को फलाहारी, हिंदी में कुछ ऐसे कहते हैं मेरे ख्याल से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, हाँ, फल खाने वाला फलाहारी। तो यहां पर है कार्पोफेगस, कार्पोफेगस। बोलिए, वर्ड क्लियर है सभी को? दैट ईट्स फ्रूट, मैंने फ्रूट वर्ड लिखा है बेटा, ये भी ध्यान रख लेना, मैंने फ्रूट लिखा है, एफ आर यू आई टी, ठीक है, एक सेकेंड, इसको क्लियर कर लेना, अक्सर गलती हो जाती है फ्रूट एंड फ्रूट्स में, अक्सर गलती हो जाती है। अगर आप फ्रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं बिना एस के, तो याद रखिए ये है खाने वाला फल, खाने वाला फल, ठीक है, चाहे वो आप एप्पल खाओ या बनाना खाओ, ठीक है, ऑरेंज खाओ, खाने वाला फल। ये फ्रूट्स होता है सबसे ज्यादा प्रयोग जब हम कहते हैं मेहनत का फल, फ्रूट्स ऑफ लेबर, मेहनत का फल, फ्रूट्स ऑफ लेबर सबसे ज्यादा यूज होता है, खाने वाला फल फ्रूट और मेहनत का फल फ्रूट्स। अब बात आती है कि क्या जो खाने वाला फल है, क्या उसके साथ एस नहीं लगाते? तो मैं कहूंगा उसके साथ एस संभव है, लेकिन अगर मैं उससे पहले क्या लगा दूं, आई वॉन्ट फाइव फ्रूट्स, अब आप नोटिस कर सकते हैं मैंने फ्रूट्स से पहले क्या लगा दिया, फाइव लगा दिया। तो हम दो तीन चार पांच छह सात आठ अगर ऐसी गिनती लगा दें तो खाने वाले फल के साथ भी एस का प्रयोग होगा। तो ये जस्ट नॉलेज के लिए था, तो इसलिए आपको बता दिया। सर ये क्वेश्चंस कैसे आएंगे पे? बेटा वर्ड्स कर रहे हैं हम, शब्द कर रहे हैं विन्नी, आपको जैसे कार्पोफेगस दिया होगा एग्जाम में, सभी बच्चे ध्यान से सुने, अगर आपको लगता कि आपको यही नहीं पता कि कैसा क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में दिया आपको कार्पोफेगस, नीचे चार दे रखे होंगे, कार्पोफेगस जो फ्रूट खाता है, जो जेलीफिश खाता है, जो अंडे खाता है, या जो अपनी जाति का मांस खाता है, चार ऑप्शन दे रखे होंगे, ठीक है ना। तो किस पे टिक मार करोगे? अगर आपको अर्थ पता होगा तो आपको पता है कि कार्पोफेगस किसको कहते हैं, जो फ्रूट खाता है। तो चार ऑप्शन होंगे, चार में से एक को टिक मार करना है, दैट्स इट। क्लियर हुआ भी नहीं? ओके, थैंक्स, ऑलराइट। चलिए अब देखते हैं हमारे पास जेली। अब ये मत कह देना जो जेली खाता हो, क्योंकि वोरस का मतलब खाने वाला, जेली का मतलब जेली। यहां पर जेली का मतलब है जो जेली फिश होती है, आप लोगों ने साइंस में देखा होगा जेली फिश, ठीक है। तो जो लोग जेली फिश खाते हैं वो कहलाते हैं जेलीवोरस। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर गाइस? अब जैसे मैंने इस लिस्ट में नहीं लिखा, इस लिस्ट में नहीं दे रखा, मैं आपके लिए एक वर्ड लिखता हूं, जी आर ए एन आई, ग्रैनी, मैंने वर्ड यूज किया यहां पर, ग्रैनी, जी आर ए एन आई, या इसके लिए एक सेकेंड,
ये मैंने आज की लिस्ट में नहीं ले रखा। ग्रैमिवोरस, हाँ ये वर्ड क्लियर नहीं आ रहा। ओके कलर इज लीजिए बेटा, मैंने फिर दोबारा से लिख दिया ग्रैमिवोरस का क्या क्या पढ़ सकते हैं आप। मुझे बताया गया कि वो रीडेबल नहीं था, नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको दोबारा लिख दिया। तो प्लीज अब यहां पर देखिए आप, मैंने लिखा वर्ड ग्रैमिवोरस जो कि मेरी लिस्ट में नहीं है। क्यों लिया, मतलब इस लिस्ट में नहीं लिया क्योंकि ये इतना ईजी है कि बच्चों ने पढ़ा होता है कि जो ग्रास खाते हैं, घास खाने वाले ग्रैमिवोरस, ठीक है, दैट ईट्स ग्रास। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। तो मैं वर्ड्स वही पिक कर रहा हूं जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं। जी ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, ओविवोरस। अब आप लोगों को यह कह सकता हूं कि जब मैंने, यानी कि आज से लगभग 35 साल पहले, जब मैं इन वर्ड्स की लिस्ट कभी पढ़ रहा था, याद कर रहा था, ठीक है, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो मैं अक्सर इस वर्ड पे आके हमेशा अटक जाता था, ठीक है, ओविवोरस। तो हमें कई बार हो जाता है कि यार ये वर्ड माइंड में नहीं जाता, अटक जाता है। तो है क्या एग खाने वाले, अल्टीमेटली मैंने क्या सोचा कि ओ क्या है, अंडे जैसा आकार, ठीक है। तो मैंने अपने माइंड में लगा लिया कि जब ओ शेप आ रही है तो इसका मतलब मैं क्या कर दूंगा कि ये अंडा है, तो ओविवोरस दैट ईट्स एग्स। बोलिए आपको सारा पॉइंट क्लियर। ओके नेक्स्ट है यूनिवर्स। यूनिवर्ड ही अपने आप में आपको क्लियर कर रहा होगा कि यूनि का मतलब हो गया जो अपने आप में एक, अपने आप में एक है, अर्थात वो एक तरह का फूड खाने वाला, यानी अगर वो आलू खा रहा है तो आलू ही खाएगा, आलू के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं खाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, एक ही प्रकार का फूड खाने वाले को यूनिवर्स कहते हैं। इज इट क्लियर गाइस? Shubham Panwar is asking, from where are you? Well, buddy, I'm from Delhi. I was born and brought up in Mukherjee Nagar. Delhi mein Mukherjee Nagar ka naam aapne sun rakha hoga. Theek hai, that's my birthplace. All right. Next one, number 7, please. Ye bhi tough word hai, beta. Dhyan se karna. Aur main list jo hai, मैं चाहूं तो मैं और वर्ड्स भी दे सकता हूं, पर मैं अभी आपको कंफ्यूज करने के मूड में नहीं हूं। मेरा मूड है सिर्फ आपको एग्जाम की तैयारी कराना। क्रियोफेगस, ये जो होते हैं कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस बड़ा इजी वर्ड है, इतना आसान तो एग्जाम बनाने वाला देगा नहीं, कि मांस खाने वाला, मांसाहारी, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि मांसाहारी के लिए हम क्या लगा रहे हैं, क्रियोफेगस दैट इट्स फ्लैश। बोलिए सभी को वर्ड क्लियर, दैट ईट्स फ्लैश। नेक्स्ट देखिए लिमिवोरस। लिमी, लिमी का मतलब होता है मड, सिर्फ एल आई एम आई। लिमी मींस क्या होता है, मड, बारिश में जो कीचड़ वगैरह हो जाता है, मड हो जाता है, कीचड़, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कि अगर कोई कीचड़ खाने का ही कार्य करता है, उसके पास और खाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो डैट इट्स मड, जो मड खा के जीवन जीता है उसे बोलते हैं लिमिवोरस। ओके नंबर 9 प्लीज। ओके ग्रैमिवर्ड दे रखा है, ओके मैंने सोचा था इसमें नहीं दे रखा, ग्रैमिवर्ड दैट इट्स ग्रास। नेक्स्ट वर्ड इज कालसी, CALCI, कालसीवोरस। तो ध्यान देना कि कालसी का रिलेशन किससे होता है, लाइमस्टोन से, चूना, लाइमस्टोन, चूना, ठीक है। तो जो चूना लाइमस्टोन खाने वाले होते हैं, दैट इज कॉल्ड कालसीवोरस। तो ये आपने देखा, ये लिस्ट बहुत अच्छी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सभी वर्ड्स को बड़े ही ध्यान से करना, ठीक है। अब आपके पास है आज की लास्ट लिस्ट, जो कि बेस्ड है किसके ऊपर, LOGY के ऊपर, लॉजी। देखिए ये आसान नहीं होती है बेटा, बहुत ही मेहनत करनी होती है। अगर मैं एक्चुअलिटी में आपको लॉजी पढ़ाना शुरू करूं
डू यू बिलीव, जो मैंने पढ़े थे उसके और कितने आ गए मुरे को भी नहीं पता, जो मैंने पढ़े थे मैं आपको वो बता देता हूं। आई स्टडीड 365 लॉजिज, 367 लॉजिज। समझ सकते हो कि मेरे को लगता है नहीं करनी चाहिए पढ़ाई करते हुए ये सब, पर लॉजी लॉजी माइंड में हो जाता है, ऐसे लगता है पता नहीं क्या दिमाग जो है सब कुछ मिक्स होता हुआ नजर आता है, ऐसा लगता है ये कौन सी पढ़ाई है ये कौन सी। लॉजी का मतलब क्या है, शिक्षा पढ़ाई, एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ लर्निंग, ठीक है, कि कोई पहाड़ों का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, पहाड़ों की स्टडी कर रहा है, कोई चट्टानों की स्टडी कर रहा है, कोई पेड़ों की स्टडी कर रहा है। तो ये जो डिफरेंट स्टडीज हैं, तो आपने देखना है कि ऐसी पर्टिकुलर स्टडी के लिए लॉजी वर्ड यूज होता है। तो हम एग्जाम के लिए पहला क्या ले रहे हैं, फर्स्ट वन इज क्रिप्टोलॉजी। ये जो होता है कोडिंग डिकोडिंग होती है, बहुत अच्छी पढ़ाई है ये, ठीक है। तो क्रिप्टोलॉजी, प्लीज लाइक कमेंट्स एंड शेयर दिस क्लास। ओके, ये आप लोग टाइप कर रहे हैं, आई डिडंट नो इट। ओके, चलिए भाई, मैंने कभी अपनी लाइफ में, मेरे को लगता नहीं कि मैंने अपनी लाइफ में कभी बोला हो कि अगर आपको ऐसे बोलते हैं भाई कि यदि आपको चैनल पसंद आ रहा हो, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। ऑलराइट, चलिए भाई मैंने बोल दिया। नेक्स्ट वन प्लीज, हिस्टोलॉजी। अब आप देख सकते हैं कि हिस्टोलॉजी में क्या होता है, किस चीज की स्टडी होती है, ये आप लोगों ने साइंस में पढ़ ही रखा होगा। प्लांट के टिश्यूज को लेकर, प्लांट के टिश्यूज की जो स्टडी होती है, डेट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड इज एथनोलॉजी, पूरी ह्यूमन रेस की स्टडी करना, ठीक है, मानव जाति के ऊपर पढ़ाई करना, दैट इज कॉल्ड एथनोलॉजी। नेक्स्ट वन प्लीज, नंबर 4, ऑन्कोलॉजी। मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान वर्ड है, आज का सबसे आसान यही होगा मेरे ख्याल से, ऑन्कोलॉजी, जो ट्यूमर की स्टडी होती है, जो कैंसर की स्टडी होती है, डेट इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। क्योंकि हॉस्पिटल्स में डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी, कैंसर डिपार्टमेंट, ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर का डॉक्टर होगा, ठीक है, जो ट्यूमर को ट्रीट करता है। तो प्लीज इसको अच्छे से याद रखना, ऑन्कोलॉजी। ऊलोजी, तो यहां पर ओ से ही दोबारा मैंने फिर याद किया था अंडे को, तो ऊलोजी द स्टडी ऑफ एग्स, स्टडी के लिए डबल ओ, ओवीवोरस अंडा खाने वाले, यहां पर अंडे की पढ़ाई, एग्स की पढ़ाई। ओके, नेक्स्ट वन इज ओरोलॉजी। ओरोलॉजी का संबंध होता है माउंटेन्स के साथ, जिसकी स्टडी, किसकी स्टडी, स्टडी ऑफ दी माउंटेन्स। तो आपने देखा जो स्पेशलिस्ट होते हैं, आप लोगों ने कई बार उस पर देखा होगा, ये जो सर्टेन चैनल्स हैं, ज्योग्राफी चैनल, डिस्कवरी चैनल, उन पे बहुत कुछ बताते हैं। तो ठीक है, जो स्पेशलिस्ट होता है उनको बुलाया जाता है, तो अगर किसी ने माउंटेन्स की स्टडी कर रखी है तो वो आएगा, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कार्पोलॉजी। अब यहां पर कार्पोलॉजी में क्या है, पढ़ाई किसकी हो रही है, नेचुरली फ्रूट की और सीड्स की। कार्पोलॉजी में पढ़ाई किसकी हो रही होगी, फ्रूट की और सीड्स की पढ़ाई हो रही है, तो इस क्षेत्र को भी याद रखना। नेक्स्ट नंबर 8 पे प्लीज, ओरिंथोलॉजी। तो याद रखना कि ओरिंथोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, बर्ड्स की। प्लीज ध्यान रखिएगा, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ओरिंथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट वन प्लीज, हेलमिंथोलॉजी। ये भी मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपने उसमें किया होगा क्लास में, ये आपने क्लास में किया होगा हेलमिंथोलॉजी, आप ये जो क्लासेस साइंस की चलती है, तो जो वॉर्म्स की स्टडी होती है, वॉर्म्स की, ठीक है, तो इस स्टडी को त्यागी जी कह रहे हैं दिस इज माय फर्स्ट क्लास, नाइस क्लास सर, थैंक यू वेरी मच बच्चे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमने
किसको लिया? हेलमिंथोलॉजी को लिया. हेलमिंथोलॉजी दैट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ द वर्म्स. अब यहां पर ध्यान देना बेटा, मैंने यहां पर आपको वर्ड करवा रहा हूं लिथो. लिथो का रिलेशन होता है रॉक्स के साथ. अब यह भी ध्यान रखना, अब मेरे पास ना इस समय डिवाइस नहीं है. मैं आई एम क्वाइट आउटस्पोकन. इसमें ये नहीं है कि दुनिया के सारे वर्ड्स मुझे आते हैं या उसको आते हैं. दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको जो फूल प्रूफ हो, ठीक है ना, या वन हु कैन से और क्लेम कि उसको सारे वर्ड्स आते हैं. आपके पास डिवाइस हाथ में है, जरा एक बार चेक करना क्या ये वर्ड ठीक है पेट्रोलॉजी रॉक्स के लिए, एक बार चेक करना प्लीज. नाजरीन सेज मेरी इंग्लिश वीक है. कोई बात नहीं भाई, कमज़ोर होती है तो फिर स्ट्रांग भी हो जाती है, ठीक है. कमज़ोर लोग खाना वाना बढ़िया खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रांग बन जाते हैं. तो जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर होती है, पढ़ाई करेंगे तो कमज़ोर से स्ट्रांग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है जी. अनूप जी, मंडे टू फ्राइडे ये क्लास चल रही है, मंडे टू फ्राइडे. सिर्फ ये बता दीजिए प्लीज़ कि क्या पेट्रोलॉजी सर ये ठीक है. ऑलराइट, थैंक यू. तो आप प्लीज़ ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर लिखा है PETROLOGY. पेट्रोलॉजी का संबंध भी रॉक से है, ठीक है. तो पेट्रोलॉजी भी क्या हो जाएगी, स्टडी ऑफ रॉक्स. बट गलती होने के चांस कहाँ हो जाएंगे अगर वहाँ पे लिखा जाए PETROLOGY. दिस कैन कॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. अगर मैं यहां पे पेट्रोलॉजी में ए लगा दूं तो प्लीज ध्यान देना, ये वाला जो ए वाला पेट्रोलॉजी है इसका संबंध चर्च के साथ है. चर्च के अंदर फादर होता है, उन फादर्स के ऊपर जो पढ़ाई की जाती है कि उनका रोल क्या होता है, वो कैसे रहते थे, क्या करते थे पुराने जमाने में, उस टाइप की स्टडी को इंग्लिश में कहते हैं पेट्रोलॉजी. डैट है समथिंग टू डू विथ फादर. क्लियर बेटा, चर्च के जो फादर होते हैं, बोलिए सभी को क्लियर. दीपा शर्मा, पेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक्स. थैंक यू दीपा, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस. तो चलिए, आपने पूछा है वॉर्म्स. बेटा सुमित, कीड़े मकोड़े यार, कीड़े मकोड़ों की जो पढ़ाई है वॉर्म्स. ऑलराइट, नेक्स्ट वन प्लीज. तो अच्छा लगा मुझे, एकदम से माइंड में आ गया कि लिथो का रिलेशन जो है वो पेट्रो से होता है. दोनों के ओरिजिन अलग अलग हैं बट दोनों का संबंध एक ही चीज के बारे में था. तो इसको बताते बताते माइंड में आ गया कि नहीं बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, तो मैंने आपको ये वर्ड भी यहां पर क्लियर कर दिया कि पीईटी पेट्रोलॉजी क्या होता है, पीएटीआर पेट्रोलॉजी क्या होता है, और लिथोलॉजी. चलिए नेक्स्ट वी हैव इज फिलोलॉजी. फिलो का मतलब ही क्या है, लैंग्वेज. फिलो, ओके, तो फिलो लैंग्वेज से संबंध रखनी है. तो लैंग्वेजेस की स्टडी करने वाले को फिलोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है. तो जो शिक्षा है लैंग्वेजेस की, उस शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिलोलॉजी. ऑलराइट, नेक्स्ट. ये भी आपने साइंस में, आपके जितने भी टीचर्स आते हैं तो उन सभी ने आपको साइटोलॉजी के बारे में जरूर पढ़ा रखा होगा. तो साइटोलॉजी के अंदर क्या होता है, सेल्स की आप स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ सेल्स. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. लेट मी चेक टाइम आल्सो. साइटोलॉजी तक हो गया. नंबर थर्टीन में हमारे पास वर्ड है, ध्यान से कीजिएगा, टफ वर्ड है, डैक्टिलोलॉजी. डैक्टिलोलॉजी मैं प्रोनाउंस इसलिए दो दो तीन तीन बार करता हूं कि कहीं आपको प्रोनाउंस करने में दिक्कत ना हो. साहिल धैया जी कह रहे हैं, बेटा साहिल क्या है कि मुझे ना ये पता नहीं है कि इनको कैसे चेंज करते हैं, क्या सिस्टम है. मैं इस समय स्टूडियो में हूं और मैं पढ़ाया जा रहा हूं, ठीक है. और जो बच्चा सामने बैठा होता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर होता है, ही हैज गोन आउटसाइड. उन्हें अंदर आने दो, मैं उन्हें बोल देता हूँ कि ऐप वालों के भी कोई कमेंट्स अलग से आ रहे होते हैं, उनको कैसे देखना है वो लगा देंगे, ठीक है. प्लीज़, ओके. अब देखिए, आपने देखा
डैक्टिलोलॉजी मैंने प्रोनाउंस किया, तो यानी ये किस चीज की है, फिंगरप्रिंट्स की स्टडी है, फिंगरप्रिंट्स की, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सेलिनोलॉजी, तो आपको ध्यान रखना होगा सेलिनो का रिलेशन किससे होता है, मून से, चांद से, ठीक है, मून से। तो मून की जो स्टडी करेगा, दैट स्टडी आई मीन वो स्टडी क्या कहलाएगी, सेलिनोलॉजी, मून की स्टडी। अगर आपने क्लास ट्वेल्थ में थिंग ऑफ ब्यूटी ये पोयम अगर आपने पढ़ रखी हो, जिसको पोयम को प्रनाउंस पोम भी करते हैं, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं कहीं आपको ये ना लगे कि मेरे को प्रनाउंस करना नहीं आता। आई नो आई कैन प्रनाउंस द वर्ड पोम एंड पोम्स, बट साधारण रूप में बोलने के लिए मैं पोयम वर्ड का इस्तेमाल करूं। आई थिंक अ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, आई थिंक अ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये जो थी जॉन कीट्स की लिखी हुई पोयम थी, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था कि ये क्या है, एक एक्सट्रैक्ट है, एक हिस्सा है, जो कि एंडीमियोन नाम की पोयम से लिया गया था, और एंडीमियोन पोयम में पूरा का पूरा ही वर्णन सेलिनोलॉजी का है, चांद का है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आपको बताया कि हमने ये वर्ड स्कूल लाइफ में पढ़े होते हैं, पर क्या होता है कि स्कूल लाइफ में या तो टीचर ऐसे नहीं मिलते जो पूरी चीजें एक्सप्लेन करें, भाई आए थोड़ा सा चैप्टर के बारे में कुछ बताया और निकल लिए, ठीक है, या तो टीचर बढ़िया मिल जाए तो स्कूल लाइफ में ये चीजें इतनी बढ़िया से करा देगा कि आपको आने वाले सालों में सब कुछ याद रहता है, तो अगर नहीं तो फिर आगे चलकर इस जिसे कहते हैं ना ग्रेजुएशन के बाद फिर इन सब चीजों को हम करना शुरू करते हैं दोबारा से, अदरवाइज ये सब चीजें हमने की होती हैं। हाँ जी ऐप वाले आगे जी बताइए, कोई कोई पॉइंट कोई पूछना चाहे, मैं जो ऐप वाले हैं उनके कमेंट्स देख रहा हूँ, निशांत भाई सर को ऐप वालों के कमेंट के लिए बोलो, आप ऐप वालों के कमेंट करो। जी 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 मनीष यादव बोल दिया भाई मैंने, जी मनीष जी यू आर लेबोरियस सर, अभिषेक यादव सेज थैंक यू बड़ी, थैंक यू, थैंक्स फॉर द वेरी कॉम्प्लीमेंट, इफ आई एम गोइंग टू गेट सच काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स यू नो आई एम गोइंग टू रॉक ऑल द टाइम, आई मीन इट, I simply bow my head before you guys. Yeah, you are welcome, sir. Thank you, Kuldeep. जी चलिए आगे करते हैं, पता चले मैं यहाँ अंग्रेजी बोलना शुरू कर दूँ, ठीक है, फिर आपको कहे सर ने अंग्रेजी ज़्यादा मार दी, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, मेरा कोई इरादा नहीं है, मेरे को बताया गया है हिंदी मीडियम के छात्र ज़्यादा हैं तो मैं अपनी भाषा का वैसे ही प्रयोग कर रहा हूँ ताकि मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने ये थोड़ी दिखाना कि मेरे को अंग्रेजी आती है, 30 साल हो गए पढ़ाते हुए तो अंग्रेजी थोड़ी बहुत तो आती होगी। चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, अच्छा सेलिनोलॉजी ले लिया, स्टडी ऑफ मून, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये चीजें किस तरह से आई थिंक ऑफ ब्यूटी में एक्सप्लेन की गई थी या टीचर्स ने किया होगा आपको। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एंथोमोलॉजी, एंथोमोलॉजी आप सभी ने पढ़ रखा होगा साइंस में, जो इंसेक्ट्स की, ठीक है, इंसेक्ट्स की स्टडी होती है उसे हम एंथोमोलॉजी प्रनाउंस करते हैं, ENTO एंथोमोलॉजी, तो मैंने आपको यहां पर करवा दिया, तो प्लीज सभी लोग अच्छे से करेंगे, सर प्लीज यूज इंग्लिश मोर, कुलदीप मावी सेज ऑलराइट, आई डोंट माइंड यूजिंग इट बिकॉज आई डोंट हैव टू प्लान इट, ओके, आई जस्ट वांट कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझ आना चाहिए, आई डोंट माइंड यूजिंग इट, ओके, बीच बीच में बोलता रहूंगा। तो आपको इतने पॉइंट्स क्लियर, अब बारी है आप लोगों की, चलिए अब बारी है आप लोगों की, ओ भाई क्यों नहीं जा रहा ऊपर, अच्छा मेरे को बोर्ड यूज करना है उसके ऊपर, देख मैं ये कलर नजर आ रहा है, चलिए अब बारी है देखते हैं कि कितने बच्चे जो हैं उन्होंने खुद से अपने भी अच्छी तरह से वर्ड्स किए होंगे। लीजिए पहला वर्ड मैं आपको देता हूं, ABIO,
ABIO एबियोलॉजी। देखते हैं आप में से किस किस बच्चे का कमेंट आता है, कितने बच्चों ने एबियोलॉजी को पढ़ा हुआ है। एनीवन हु वांट्स टू ट्राई, आप में से कोई भी स्टूडेंट ट्राई कर सकता है। मनीष यादव जी ने लिखा है ना, निशांत ओके भाई थैंक यू फॉर कमेंट शो। अच्छा जी ओके फो लिखा हुआ है, फॉर फो, फो का मतलब क्या होता है चलिए ये भी बताइए मेरे को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फो, एफ ओ ई। चांस की बात है आपने गलती से टाइप कर दिया होगा, लेकिन ये इसका अर्थ भी होता है, ये अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है, शत्रु एनिमी। ओके कई बार हो जाता है टाइप करते हुए ऐसा बढ़िया वर्ड निकल आता है, फो मीन्स एनिमी। तो सर सीपीओ की तैयार कैसे करूं इंग्लिश की, बेटा देखिए आप अपने बेसिक्स को पहले अच्छे से क्लियर कर लीजिए, अगर आप जैसे सीपीओ के लिए पूछ रहे हैं तो बेसिक्स को अच्छे से क्लियर करके आप लोग प्रीवियस ईयर के जितने सेट्स लगाते हैं दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। द मोर पेपर्स यू सॉल्व द कॉन्फिडेंस विल यू नो स्टार्ट बिल्डिंग अप, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा कि हाँ मेरे इतने ठीक आ पा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज सभी लोग ध्यान देंगे, अगर हम इन एनिमेट थिंग्स की स्टडी करते हैं, इन एनिमेट, इन एनिमेट थिंग्स, ठीक है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा एबियोलॉजी के अंदर क्या होता है, इन एनिमेट थिंग्स को हम स्टडी करते हैं। तो ये मैं चेक करना चाह रहा था कि क्या आपने ये वर्ड पढ़ रखा है या नहीं, नहीं कर रखा तो इस वर्ड को भी आप एग्जाम के लिए कर लो। कुछ वर्ड्स जो हैं मैं ऐसे रख लेता हूं ताकि टाइम टू टाइम बच्चों से पूछ लिया जाए कि क्या आपकी अपनी तैयारी कितनी है या सिर्फ आप सिर्फ टीचर के ऊपर डिपेंड करें। तो सिर्फ टीचर पे डिपेंड नहीं करना, आप अपनी लेबर भी करेंगे। मैं उतने वर्ड्स करवाऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से जरूरी हैं, ठीक है, लेकिन जर्नल वर्ड्स भी आने चाहिए, क्योंकि पता नहीं पेपर बनाने वाला कहां से वर्ड देने के लिए मूड में है, वो कहां से पेपर करने के लिए आपको दे देगा। यस यू हैव आस्क्ड अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन सर, हाउ वी कैन ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ सिंपल सा तरीका है कि आपने देखा होगा नवजात बच्चे को, ठीक है, आपको सिखाना ज्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है। जब वो बड़ा होता है तो उसको पता होता है कि पापा मम्मा को सुन सुन के ना उसको कहा जाता है बच्चे को, ये फैन है, वो फैन पंखे की तरफ इशारा करता है, टेबल कहाँ है टेबल की तरफ, पापा कहाँ है पापा की तरफ इशारा करता है। तो सुनने से इंग्लिश आती है, द मोर यू विल लिसन राइट। तो कहते हैं आर रियल लिसनर बिकम्स अ ट्रू स्पीकर, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा लिसनर होना पड़ेगा। तो आप यूट्यूब चैनल आजकल हैं जितनी, ठीक है, इंग्लिश सुनेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम आज का, ए ई टी आई ओ, एटियोलॉजी। कोई बताना चाहे आप में से प्लीज, ए ई बड़े आराम से पढ़ा जा रहा होगा, ए ई टी आई ओ एटियोलॉजी, क्या आपने पढ़ा हुआ है एटियोलॉजी? एटियोलॉजी मैं चेक करना चाहूंगा कि अगर किसी बच्चे ने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा तो कोई बात नहीं, यानी कि ये भी हमें एग्जाम के लिए इस वर्ड को भी यूज करना है। तो एटियोलॉजी में स्टडी किसकी होती है, जिसमें ढूंढा जाता है कॉज, ढूंढा जाता है डिजीज का, बीमारी का, बीमारी का जो कारण ढूंढा जाता है, उस शिक्षा को उस पढ़ाई को हम कहते हैं एटियोलॉजी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वर्ड भी आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको मैं एक वर्ड देना चाहूंगा, पढ़ा जा रहा है बच्चों आपसे, इज इट रीडेबल? मैंने यहां पर लिखने की कोशिश की है जैली एक्स वाई, जैलीवोरस, क्या आप देख पा रहे हैं अगर अच्छे से, जैलीवोरस जी। अब देखिए मैंने आपको लॉजी वर्ड में से कुछ पूछा, एटियोलॉजी पूछा, एबियोलॉजी पूछा, अब मैं वोरस में से पूछ रहा हूं खाने वाला, तो ये क्या खाएगा जैलीवोरस?
तो देखना ज़ाइली में अर्थ हो जाता है वुड, लकड़ी, लकड़ी खाने वाला, वुड पे निर्वाह करने वाला, लकड़ लकड़ी खाने वाला, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स वाई एल आई वी ओ आर ओ यू एस। तो उम्मीद करता हूं इस वर्ड को भी आपने क्लियर कर लिया होगा। सबसे टफ वर्ड होता है लीजिए, ये यूजुअली मैं टेस्ट बनाते वक्त, जब मैं टेस्ट बनाता हूं तब मैं डालता हूं, पर आपको पहले ही करा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो प्लीज ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर वर्ड लिखा है जी ए, ओ सॉरी स्पेलिंग गलत हो गए, दोबारा लिखना पड़ेगा, इरेजर कहाँ है, ये वाला, दिस वन, डन। जी फॉर गॉड, ओके। तो आप लिख लीजिएगा स्पेलिंग जी ए एल ए सी टी ओ, ग्लेक्टोफेगस, मैंने फेगिस लिखा है, फेगिस्ट ही लिख देता हूं। चलिए, अगर आपने बड़े अच्छे से रूट पढ़ी होती हैं तो पता होता है कि इसका संबंध किससे है। चेक करना चाहूंगा कि आप में से कोई एक बच्चे ने लिखा हुआ है वुड ईटर, बहुत बढ़िया, स्टडी ऑफ, स्टडी नहीं बेटा सृष्टि। अगर वुड स्टडी तब कहोगे अगर मैं लॉजी लगाता, अगर मैं लॉजी लगाता तो स्टडी होती, वहां पर मैंने क्या लगाया, वोरस खाने वाला, ये याद रखना है कि एलोजीवा स्टडी होती है और वोरस खाने वाला, फेगस खाने वाला, फेगिस खाने वाला। सर जी बेटा, नहीं किया आप में से किसी ने, ओके। तो प्लीज ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने लिखा जी ए एल ए सी टी ओ, गैलेक्टोफेगिस्ट, जो केवल दूध पे निर्वाह करता है, दूध पीने वाला, ठीक है, यानी दूध के अलावा वो कुछ नहीं खाता है, सिर्फ दूध पे ही जीवन का निर्वाह करता है, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्लेक्टोफेगिस्ट। आई होप कि इस वर्ड में भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये वर्ड भी आपका आसानी से हो जाएगा। तो अब एक लॉजी और देखते हैं कि देखिए बच्चे तुक्का कैसे लगाते हैं। मैंने एक बार वर्ड दिया डेंड्रोलॉजी, मैंने स्टूडेंट्स को एक टेस्ट बना के दिया, मैंने दिया डेंड्रोलॉजी और उसमें मैंने एक ऑप्शन डाल दी स्टडी ऑफ डेंड्रफ, बालों में डेंड्रफ होता है, मैंने उसमें ऐसे ही डाल दिया स्टडी ऑफ डेंड्रफ, कोई सोचता नहीं, फटाफट से डेंड्रफ डेंड्रो डेंड्रफ, हाँ तुक्का लगाना शुरू कर देते हैं कि हाँ यही होगा, जबकि डेंड्रोलॉजी के अंदर दूर दूर तक डेंड्रफ से कोई लेना देना नहीं है। मैं देख चेक करना चाहूंगा कि आप में से कोई बताना चाहेगा, यस यस अमरदेव यादव, परफेक्ट आंसर यू हैव गिवन, स्टडी ऑफ ट्री, पेड़ों का अध्ययन करना, पेड़ों का, जी बेटा बहुत बढ़िया, ट्रीज का, पेड़ों का अध्ययन जो होता है डेट इज कॉल्ड डेंड्रोलॉजी। ओके, एक वर्ड बहुत अच्छा माइंड में आ रहा है, द वर्ड शुड बी डॉगमेटो, आई सपोज आई रोट हियर समवेयर, ठीक है वही है डॉगमेटो। अब ये मत कह देना कि सर डी ओ जी डॉग, बस बन गया काम, डॉगमेटोलॉजी कि डॉग की स्टडी, तो ये नहीं करना है, ठीक है, हमें इनसे तुक्का नहीं लगाना है, हमें प्रॉपर वर्ड पता होना चाहिए कि डॉगमेटो का संबंध किससे होता है, डॉगमा से होता है, कौन से डॉगमा, जो रिलीजियस डॉगमास होते हैं, डॉगमा मीन्स बिलीफ, जो धार्मिक विचार, विचारधाराएं, धार्मिक दृष्टिकोण, उन सभी को हम कहते हैं
डॉगमेटोलॉजी। तो आई होप आपको ये वर्ड्स जो हैं आज के वाले सारे क्लियर हो गए होंगे। टफ वर्ड्स हैं इसलिए मैं इनको ज्यादा नहीं करवा रहा हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से माइंड में रखते हुए कि जितने हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं कि क्रेसी कैसी कैसी आ सकती है वो मैंने आपको करवा दिया, लॉजी के वर्ड्स कैसे कैसे आ सकते हैं मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। उसके बाद साइड के कैसे कैसे वर्ड्स आते हैं वो भी मैंने आपको करवा दिया, मेनिया में किस टाइप के वर्ड्स पूछे जाते हैं मैंने वो भी करवा दिया, फोबिया में किस टाइप के वर्ड्स आते हैं वो भी मैंने आपको करवा दिए। तो मैंने इस पर्टिकुलर आज और जो कल वाली क्लास हुई थी इन दोनों के अंदर मिलाकर मैंने आपको बड़े सारे ऐसे वर्ड्स जो हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से करवा दिए हैं, ठीक है। तो इन सभी वर्ड्स को कोशिश कीजिएगा कि एक दो तीन दिन में दो तीन बार 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 रीड कर लो, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, रट्टा मत लगाना, वर्ड्स को सिर्फ पढ़ना है। व्हाट एग्जैक्टली हैपन, जब आप वर्ड्स को डोगमा, डोगमा का बेटा मतलब होता है बिलीफ, बिलीफ ठीक है, विचार यकीन, तो प्लीज आप उसको ध्यान में रखिएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन वर्ड्स को आप दो दो तीन दिन बाद जब रिपीट कर लेते हो, रट्टा नहीं लगाना, तो आपकी आईज में ना, आपकी आईज में ही वो वर्ड बैठ जाएगा। जब वो दोबारा वर्ड नजर आएगा तो आपको एकदम से माइंड में आ जाएगा कि हाँ इसका मीनिंग ये है। तो रट्टा मत लगाइए, जस्ट रीड द वर्ड्स एंड ट्राई टू एंजॉय देम, ठीक है। पढ़िए और मजा लीजिए कि मेरे को ये वर्ड भी पता है, मेरे को ये भी पता है, मेरे को ये भी आता है। तो ये चीजें जो है नेचुरली आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं और ज्यादा वर्ड्स नहीं करवा रहा ताकि उतना करें जितना आराम से हमारा बैलेंस बना रहे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, खुश रहिए, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, नमस्कार।